वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव एजुकेशन एकेडमी। तो आज है 15 अक्टूबर 2022 और 15 अक्टूबर 2022 के करेंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये 13 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये दिया है आंध्र प्रदेश राज्य ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो ये हवाई अड्डा है मुंबई हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? तो गूगल प्ले पॉइंट जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वो भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टैमसुला आओ का निधन हुआ है वह कौन थी? तो टैमसुला आओ का जो निधन हुआ है वह एक लेखिका थी, 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय ट्रेडर सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की प्रादेशिका कौन बनी है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो कमलप्रीत कौर के ऊपर लगाया है 3 साल का प्रतिबंध। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो ये अमेरिका में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो ये किया है आयोजन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला क्वाफू वन लॉन्च की है? तो ये चीन देश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में जारी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है, जर्मनी का दूसरा नंबर है, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर है और अपने भारत का 123वां नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल्बर्ट पहिमी पाड़के ने इस्तीफा दिया है? तो ये चाड के थे प्रधानमंत्री अल्बर्ट पहिमी पाड़के ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने किया है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो जागृति यादव को भारत में यूके की एक दिन की उच्चायुक्त बनाया गया है। वीडियो यदि मेरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।